तो ऐसा कोई हादसा भी हो जाता है? नहीं, फुल सेफ्टी रहती है, और आपको अगर चाहिए होता है तो साथ में हमें गाइड भी भेजते हैं। जी, कभी तो जब से तुम यहाँ पे काम करे कभी कुछ हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा पानी में कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं हुई कुछ। तो कभी ये पलट गई हो, कभी ऐसा हुआ? तो आप पानी के ऊपर हो गए, लाइफ जैकेट सेफ्टी रहती है, हमारे रेस्क्यू टीम रहती है साथ। अच्छा, तो अगर लाइफ जैकेट है तो हम नीचे नहीं जाएंगे ना? नीचे नहीं जाओगे आप, 3 दिन उसका 72 घंटे वैलिडिटी रहती है। अच्छा, 72 घंटे तक। दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है, और मैं आज यहाँ पे भीमताल आया हूँ। जगह का क्या नाम है भैया इसका? भीमताल ही है ना? भीमताल वैन्यू में क्या है, सरोवर पोर्टिको के नीचे। अच्छा, इसका क्या प्राइस लेते हो आप? ये सर, पैडल बोर्ड का हमारा 2 सीटर का 400 रुपीज़ है। टाइमिंग हाफ एन आवर का टाइम रहेगा, पर उसमें आप 15 मिनट हम एक्स्ट्रा देते हैं, 45 मिनट जी। और एक बोट है हमारी पैडल बोट 4 सीटर, उसका अभी आधे घंटे का है टाइम, और उसमें 500 रुपीज़ है 4 मेंबर का। ओके, कयाकिंग करनी है तो कयाकिंग भी होगी, उसमें 300 रुपीज़ है आधे घंटे का, उसमें पर पर्सन रहता है, और जोरविंग में भी 300 पर पर्सन। उसकी टाइमिंग रहती है 10 से 15 मिनट। तो भैया, कितने कहाँ कितनी दूरी में फैली हुई है लेक ये? सर, टोटल लेक है 5 किलोमीटर की लेक है, कॉर्नर। तो यहाँ पे की सबसे बड़ी लेक है। क्या? कुमाऊं मंडल की सबसे बड़ी ये, और नैनीताल वाली जो नैनी झील है वो इससे बड़ी है? वो इससे छोटी है, वो गहराई में ज़्यादा है इससे। यहाँ गहराई में कितनी है? ये गहराई में 128 फीट है, वो 145 फीट है नैनीताल वो 145 फीट है, ये 128 फीट है, लेकिन चौड़ाई में लंबाई चौड़ाई में ये ज़्यादा है भीमताल। तो आओ नीचे चल के बात करते हैं कुछ। दोस्तों, कभी भीमताल आओ तो यहाँ पे बोटिंग ज़रूर करना, हमने करी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा वीडियो में, और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। मैं आपको नीचे उतर के दिखाता हूँ। भाई से पूछूंगा, भैया इसमें ये भी तो पैडल बोट है ना? और ये वाली अकेले वाली? ये कयाकिंग है, सिंगल पर्सन। सिंगल पर्सन? डबल पर्सन की। ये डबल जी। और ये क्या? ये जॉर्बिंग बॉल है, इसमें आप जाओगे फन एक्टिविटी के लिए रहता है। अच्छा अच्छा, 15 मिनट टाइमिंग रहती है। और वो वाली भी पैडल बोट है? वो पैडल बोट है, ये रोइंग बोट है, इसमें लड़का चलाएगा, आराम से घूमेगा जी। तो इनके प्राइस अलग अलग होंगे ना? जी, सबके अलग अलग है। जॉर्बिंग बॉल का इसमें 300 रुपीज़ बड़ों का है, 200 रुपीज़ बच्चों का है, इसमें 10 से 15 मिनट की टाइमिंग है इसके जी, बच्चे जॉर्बिंग बॉल का जी जी। और एक कयाकिंग है, इसमें 300 रुपीज़ पर पर्सन है, चाहे आप सिंगल हो चाहे डबल हो, डबल वाली का 600, इसका 300 सिंगल। तो ऐसा कोई हादसा भी हो जाता है? नहीं, नहीं, फुल सेफ्टी रहती है, और आपको अगर चाहिए होता है तो साथ में हमें गाइड भी भेजते हैं जी। कभी तो जब से तुम यहाँ पे काम करे कभी कुछ हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा पानी में कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं हुई कुछ। तो कभी ये पलट गई हो, कभी ऐसा हुआ? तो आप पानी के ऊपर हो गए, लाइफ जैकेट सेफ्टी रहती है, हमारे रेस्क्यू टीम रहती है साथ। अच्छा, तो अगर लाइफ जैकेट है तो हम नीचे नहीं जाएंगे ना? नीचे नहीं जाओगे आप, 3 दिन उसका 72 घंटे वैलिडिटी रहती है। अच्छा, 72 घंटे तक? घंटे में आध घंटे में पकड़ ही लोग? हाँ, हम तो ऐसा कुछ होता है तुरंत पहुँच जाते हैं। हाँ, तो ये 5 किलोमीटर की लंबाई है ना इसकी? जी, 5 किलोमीटर की है, कॉर्नर। और मौसम ऐसा ही रहता है यहाँ पे? मौसम बढ़िया, कभी ठंडा कभी छाँव, ऐसी हो रही है, बिल्कुल बढ़िया मौसम। इसके हिसाब से तो ठंडा रहता होगा ना? इसके हिसाब से ठंडा रहता, बारिश भी ज़्यादा होती होगी। और सामने कोई मिल गया मूवी की शूटिंग हुई थी, वो रेड बिल्डिंग में। वो कौन सी वाली? वो रेड बिल्डिंग के सामने। हाँ, कोई मिल गया मूवी, ऋतिक रोशन वाली। अच्छा अच्छा, कोई मिल गया? हाँ, उसकी शूटिंग हुई थी सामने। हाँ, वो सामने है बिल्डिंग। तो वहाँ पे जाने का रास्ता है जी? आगे से जाओगे आप, यहाँ से 1.5 किलोमीटर। हमें दिल्ली जाना है? आपको दिल्ली जाना है तो आप यहाँ से वापस जाओगे हल्द्वानी वाली। अच्छा अच्छा, तो वहाँ जाने लगे तो? वहाँ जाना तो आपको ऐसे मुड़ के जाना पड़ेगा, ऐसे आगे से। ये जो रोड जा रही है उधर ही? नवूचा ताल वाली। ये सामने वाली जो एक बीच में एक्वेरियम आइलैंड भी बनाया है यहाँ पे? अच्छा अच्छा, ये सामने बीच में लेक के बिल्कुल सेंटर में, उसमें 100 रुपये पर पर्सन है एंट्री, और 5 साल से छोटा बच्चा है तो उसका फ्री रहता है चार्ज। तो क्या है वहाँ? वहाँ 35-40 बॉक्स बने हुए हैं, उसमें फिश एक्वेरियम है और रेस्टोरेंट है उसमें खाने पीने का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका पानी कभी कम कभी ज़्यादा होता? हाँ, है पानी अभी कुछ दिनों बाद यहाँ ऊपर तक भर जाएगा, ओवर फ्लो जाता है, तो आगे एक डैम बनाए वहाँ से हम पानी छोड़ देते हैं, गवर्नमेंट सामने बनाए विक्टोरिया क्रॉस जी जी। बाकी इसका पानी गर्मियों में और नीचे चले जाएगा। अच्छा, गर्मियों में और नीचे चले जाएगा, नीचे, और थोड़ा अभी और बरसात में ऊपर ऊपर।
तो इसमें कोई इसी नदी का भी पानी आता है? हाँ, आसपास जो तुम्हारे झरने हैं, जैसे ऊपर से आते हैं लोकल डैम वगैरह, मतलब लोकल बारिश का पानी है, बाकी ये नदी नालों का पानी आता है जी। नीचे नेचुरल स्रोत भी है इसमें, नेचुरल स्रोत भी है, पानी भी आ रहा है नीचे से जी, नेचुरल स्रोत। गहराई है ना ज्यादा? गहराई 100 तो चौबे से मिल रही होगी कहीं। हाँ, गहराई है। दोस्तों आपको कैसा लगा? अगर भाई हमारी बात से एग्री हुए तो हम भी आपको यहाँ घूम के दिखाएंगे अब एक बार। मेरा नाम सोनू है, कभी भी आप आओ, मेरा नाम सोनू है गाइस, और कभी भी आप आओ तो आप यहाँ पे आ सकते हो, और यहाँ पे हम आपको बोटिंग कराते हुए मिलेंगे। अभी मन मूड बनता है या नहीं ये आप देख सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताना, और जो भीमताल यहाँ पे आए, कुमाऊँ डिस्ट्रिक्ट ना जी सर, नैनीताल कुमाऊँ मंडल, नैनीताल हाँ, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कुमाऊँ मंडल, भीमताल ब्लॉक, जो यहाँ आए वो भीमताल में जरूर यहाँ बोटिंग करके जाए। देखो हमने थोड़ा दूर जाना है तो इसलिए नहीं कर पाए हम। पता है दोस्तों, सरोवर पोटी को होटल के नीचे, ठीक है, सरोवर पोटी को होटल है ऊपर, उसके नीचे स्टैंड, और हमारे भाई यहाँ पे बोटिंग कराएंगे आपको। और बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर सामने देखो आप, कितना अच्छा कराते हो जी, पैराग्लाइडिंग भी कराते हैं, उसमें 2000 रुपीज़ पर पर्सन रहता है, 3500 फीट की हाइट रहेगी और 5 to 7 मिनट की फ्लाई रहेगी, एक पायलट और एक आप, और 90 kg तक वेट होना चाहिए। अच्छा 90 kg तक, 90 kg से ऊपर भी? हाँ 90-95 तक चल जाता है। ठीक है भैया चलते हैं, थैंक यू। दोस्तों अभी हम चलते हैं, और वीडियो कैसी लगी अगर यहाँ आओ तो बोटिंग ज़रूर करना। दोस्तों वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो। दोस्तों धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।